टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर चेतन शर्मा को टीम इंडिया की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के प्रमुख मदन लाल ने टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा को भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति का प्रमुख घोषित किया है। सीएसी ने इस पद के लिए सभी उम्मीदवारों से वर्चुअली चर्चा की और आखिर में उनमें से 3 सदस्यों को पुरुष टीम की चयन समिति के लिए चुना गया। बीसीसीआई की यहां 89वीं एजीएम के मौके पर नए पैनल का गठन किया गया, जिसमें शर्मा ने उत्तरी क्षेत्र से मनिंदर सिंह और विजय दहिया को पछाड़ दिया। चेतन शर्मा टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज रहे हैं, जिन्होंने भारत के लिए 23 टेस्ट और 65 वनडे खेले हैं। चेतन शर्मा को पूर्व स्पिनर सुनील जोशी की जगह चयन समिति का अध्यक्ष पद सौंपा गया है। चेतन शर्मा के अलावा पूर्व तेज गेंदबाज देवाशीष मोहंती और अबे कुरविले को भी चयन समिति में चुना गया है। बीसीसीआई ने इस ऐलान के साथ एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा, कमेटी ने चेतन शर्मा को अनुभव के आधार पर चुना है। सीएसी ने सभी उम्मीदवारों को 1 साल तक रिव्यू किया, जिसके बाद बीसीसीआई को अपनी तरफ से आखिरी नाम भेज दिया। बीसीसीआई ने अपने बयान में बताया कि सुनील जोशी और हरविंदर सिंह सिलेक्शन कमेटी में बने रहेंगे। बीसीसीआई ने आगे कहा, तीनों नए सदस्य सिलेक्शन कमेटी में सुनील जोशी और हरविंदर सिंह को ज्वाइन करेंगे। इस पद के लिए वेस्ट जोन से अजीत अगरकर, अबे कुरुविले और नयन मोंगिया ने अप्लाई किया था, जबकि नॉर्थ जोन से चेतन शर्मा, मनिंदर सिंह, विजय दहिया, अजय रात्रा, निखिल चोपड़ा ने अप्लाई किया था। वहीं ईस्ट जोन से शिव सुंदर दास, देवाशीष मोहंती और राणादीप बोस ने अप्लाई किया। सीएसी ने तीनों जोन से एक एक सदस्य को चयन समिति में चुना है। चेतन शर्मा ने इस जिम्मेदारी के मिलने के बाद कहा, भारतीय टीम के लिए फिर से कुछ करने का मौका मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं बोलने से ज्यादा करने में विश्वास रखता हूं। चेतन शर्मा के अलावा कुरुविले ने भी चयन समिति में चुने जाने को लेकर बीसीसीआई को शुक्रिया कहा। जानते हैं कौन है चेतन शर्मा। 88 मैच खेलने वाले चेतन शर्मा 11 वर्षों तक इंडियन टीम के लिए खेले, जिसमें सबसे खास पल 1987 विश्व कप में हैट्रिक लेना रहा। चेतन शर्मा 16 साल की उम्र में ही हरियाणा के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल गए, जबकि 16 साल की उम्र में उन्होंने टीम इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू कर लिया। साल 1983 में वेस्टइंडीज के खिलाफ शर्मा का वनडे डेब्यू भी हुआ। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी विपिन ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।